जी दोस्तों, तो जिस एरिया में हम आए हुए हैं उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। इस एरिया के अंदर हमें जो है शिकार आज मिलने वाला है। तीतर यहाँ पे मिल सकता है, फाख्ता और खरगोश भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है इस एरिया के अंदर, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे अगर देखा जाए इधर सारा जंगल है। ठीक, जंगल के बाद फिर जो है कुरम, जिसको रिवर बोलते हैं वो है, उसके बाद फिर जंगल है बहुत बड़ा। ठीक है जी, लेफ़्ट साइड पे जो मेरी इस साइड पे देखें तो ये सारी ज़मीनें जो है ना आबाद हैं। अच्छा, जिस एरिया के अंदर जंगल और आबाद ज़मीनें हों वहाँ पे जो है शिकार का मिलना बहुत आसान होता है, और बस आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए किस एरिया के अंदर फीड कर रहे हैं। तो अभी मैं तकरीबन आधा घंटा हुए मैं आया हूँ एरिया में, देख रहा हूँ तीतर है इधर ऑलरेडी, मैं कई बार आया हूँ, तीतर इस एरिया के अंदर काफ़ी है। बस हमें ये देखना है किस बांध के अंदर या किस ज़मीन के अंदर वो फीड कर रहे हैं, और टाइम मुझे ख़ुद को पता है कि किस टाइम आजकल तीतर निकल रहा है। तकरीबन 4 बजे तीतर सारा बाहर होने। अच्छा, दूसरी बात, खरगोश उसने रात को ही निकलना है, तो उसका कोई चांस है नहीं दिन में हमें मारने के लिए। लेकिन खरगोश का रास्ता ये है, इस रास्ते से आता है, ये जंगल है, इधर से चढ़ के ये एक बंद है जो पानी को रोकने के लिए बनाया गया, उतर के फिर ज़मीनों में फीड करता है, ये उसका रास्ता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खरगोश हैं, इवन कि यहाँ पे डक हंटिंग भी होती है, लेकिन अभी जो है ना आजकल को मैंने देखी नहीं है यहाँ पे मुर्गा भी इतनी ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ये देखें ना अंदर पानी खड़ा है। ठीक है जी, तो इस तरह पॉन्ड्स हैं बहुत ज़्यादा और सारे जंगल के अंदर ही पॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे मुर्गाबी के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, फीड भी है। सुअर के लिए ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है सुअर से, ये वाला जंगल तो छोटा है, इससे जो पीछे वाला जंगल है वो सुअर से भरा हुआ है। ठीक हो गया जी, तो अभी आप आगे जाते हैं, ट्रैक्स वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमें जो है यहाँ पर नज़र आता है। अच्छा, एक और जो है पॉइंट वाली चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। ये एरिया देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ये सारा गीला है, मतलब कि कीचड़ है, ज़्यादा नहीं है लेकिन गीला है। खरगोश हो गया, तीतर हो गया, ये दोनों चीज़ें गीली जगह से गीली ज़मीन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, उनको नहीं पसंद, खासकर खरगोश को तो बिल्कुल नहीं पसंद, वो मतलब कि गीली ज़मीन पे रहना बिल्कुल नहीं पसंद करता, वो अवॉइड करता है। तीतर भी अवॉइड करता है, अगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर वो मजबूरी में यहाँ पर रह सकता है, लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो ये ज़मीन छोड़ के जो है ड्राई प्लेस पे जाएगा। एरिया जो है ना फ़ायदा हो जाता है जो है ढूंढने में, क्योंकि एरिया कम हो जाता है। अच्छा, गीदड़ का बहुत ज़्यादा ट्रैक है यहाँ पे, गीदड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया जी, तीतर के पीछे ट्रैक से बड़े थे पुराने हैं, लेकिन यहाँ से मूव किया हुआ है, तीतर इस साइड पे होगा जहाँ पे आगे ड्राई एरिया है, वो हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला भी तीतर जो है ना वहाँ वहीं पे मूव कर रहा है। ये दो कुछ दिन पहले यहाँ पे पानी आया था, इस वजह से यहाँ से तीतर मूव कर गया, वो एक जगह पे इकट्ठा होना है, तो ढूंढना मारना बहुत आसान हो जाना है। तो आगे चलते हैं जी। ये जी से हम अपनी ज़बान में बोलते हैं पोर्कोपाइन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, उसका कांटा है, ये भी इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, हमारे एरिया में पुरानी कहावत है कि ये जिसके दो बंदों के अगर चारपाई उनके बीच में रख दें तो उनकी लड़ाई हो जाती है, बाकी आपने बताना है ये सच है या झूठ है। ठीक है जी, पहला लग गया जी, गन आपको दिखा देते हैं, ये देखें जी, ये रेक्सीमैक्स का है जी, थ्रोन जेन 2, ऊपर डिस्कवरी का हमने जी स्कोप लगाया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, 700 mm का जी स्लग लाइनर इसके अंदर हमने लगाया हुआ है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें मिल रही है इस गन की। जो दोस्त ख़रीदना चाहते हैं इस, ये गन फॉर सेल भी अवेलेबल है, इस तरह के ब्रांड न्यू पीस कैमोफ्लॉज कलर के अंदर भी है और जो है कैमल कलर के अंदर भी है। 2,50,000 रुपये कम्प्लीट पैकेज की प्राइस है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे
رابطہ کر کے آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں جی, اور بھی ہمیں انشاءاللہ تیتر ملنے والے ہیں. جی دوستو, تو جو ہے تین ہم نے سکور کر لیے. تو کیونکہ میں آج اکیلا ہوں تو میرے لیے مور دین انف ہے. آج انشاءاللہ ٹرائی کریں گے, کک بھی کریں گے. زیادہ کچھ میں لے کے نہیں آیا آج, مطلب کہ برتن وغیرہ. تو بالکل جو ہے دیسی سٹائل میں جتنا ہو سکے گا وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. بڑے سائز کے تین تیتر ہیں جی, بہترین پرفارمنس ہے جی. یہ جو ایریا ہے اس طرف دیکھ لیں, دیکھیں جنگل ہے, فصلیں, جنگل ہے فصلیں. تو یہاں پہ تیتر جو ہے نا سروائیو بہت اچھی طرح کر رہا ہے. کور بھی اس کو مل رہا ہے, فیڈ بھی مل رہی ہے. اچھا جی, ایک اور چیز کے ٹریکس میں نے دیکھے ہیں. بہت بڑا جو ہے میل ہے, سور ہے, وائلڈ بور ہے. اس کے ٹریکس آپ دیکھ لیں, آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں, یہ ٹریک ہے وائلڈ بور کا. سائز آپ چیک کریں, میرا ہاتھ بھی کافی بڑا ہے. یہ دیکھیں, اور سنگل ہے. جو اکیلا وہ زیادہ تر میل ہی گھومتا ہے, اور اس سائز کا جو ہے ٹریک ہے. تو آج کل اب یہ فصلوں میں آنا شروع ہو گئے. پرمٹ میرے پاس ہے, یہ کے پی کے کا ایریا ہے, تو یہاں پہ ہم شکار کر سکتے ہیں اس کا. تو وہ رات میں ہی ہوگا, انشاءاللہ ٹرائی ضرور کریں گے. ہاں جی, وہ ایریا چھوڑ کے ہم جو ہے ریور والی سائڈ پہ آ گئے ہیں. بالکل ساتھ ہے, تو کیونکہ جو ہے تیتر کو جو ہے صاف کرنا ہے, پھر پکانا ہے, تو اس کے لیے جگہ دیکھ رہے ہیں کون سی بیسٹ ہے. پانی تو یہاں پہ بہت زیادہ ہے, یہیں پہ بندہ صاف کر رہے, تازہ پانی اس طرف بھی جاتے ہیں. تو لکڑیاں وغیرہ بھی کافی ہیں, بڑی زبردست جو ہے ایریا ہے. یہ جی بند ہے نیچے, پتھر کا آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ, تاکہ اوپر شہر ہے اس کی طرف نہ جائے. یہ دیکھیں جی, یہ بند, دیکھیں جی, یہ دیکھیں جی, سین چیک کریں, بڑا زبردست جی. اچھا ادھر جی ایک منٹ, یہ سامان میں نے رکھ دیا. ادھر سے اتر کے ہمیں جانا ہے, کیچڑ ہے یہ سامنے جو ہے نا اندر. اچھا یہ ایریا بڑا خطرناک ہے, ادھر کافی گھنا جنگل ہے. میں اس ایریا میں آتا رہتا ہوں, اس ایریا کے اندر سور رہتا ہے, دن میں بھی یہیں پہ ہوتا ہے, لیکن دن میں وہ چپ کر کے رہتا ہے, سویا رہتا ہے مطلب. ٹھیک ہے جی, پتھر ہیں جی اور سلپری ہے یہ. اچھا اس جگہ سے نا سور کے ٹریک ادھر نہیں ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. ادھر سے مطلب نہیں گزر رہا وہ. ہاں جی, تو آ چکے ہیں, پانی یہ چل رہا ہے. یہ دیکھیں نا جی, پانی چل رہا ہے, یہ پیچھے سے آ رہا ہے اس طرف سے, تو ادھر سے بھی لنک ہے. تو یہاں پہ پانی صاف ہے, یہاں پہ واش وغیرہ کر سکتے ہیں ہم برڈس کو. تو یہاں پہ کرتے ہیں پھر کوکنگ کے لیے جو ہے نا باربیکیو ٹائپ کچھ کرتے ہیں. اچھا جو ہمارے ایریا کے اندر تیتر ہے, چکوال سائڈ کی میں بات نہیں کر رہا, ادھر تو پتہ نہیں اور ہی سسٹم ہے. یہ جو ہے یہ جو جنگل میں ہوتا ہے نا, پانی والے جنگل میں, اس کو ہم اپنی زبان میں تو جو ہے کوندر بولتے ہیں. تو یہ اس کے اندر کالا تیتر رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, سامنے جنگل آپ کو نظر آ رہا ہوگا, وہ سارا کالا تیتر ہے, ادھر ایک بھی سفید تیتر نہیں ہے. لیکن وہ اچھا اس طرح کا تیتر ہے کہ ہمارے ایریا کا, وہ ادھر فصلوں میں بھی نہیں آتا کالا, بہت کم آتا ہے اگر کوئی قریب, کیونکہ ادھر فصل ہے نہیں. اور یہ بہت بڑا جنگل ہے, بہت بڑا جنگل ہے, یہ کلو میٹر تک پھیلا ہوا ہے. اس کے اندر سور, کالا تیتر دونوں چیزیں بھری ہوئی ہیں. یہاں پہ تھوڑے حالات خراب ہیں پچھلے سال کی وجہ سے, تھوڑا سا طالبان, اور یہ سامنے چوکی ہیں پولیس کی, ادھر سے دور ہیں کافی,
वहाँ पे अटैक हुए हैं, वो जो तालिबान थे सुनने में आए इसी जंगल में रहते हैं, तो इसलिए जो है ना कोई जाता ही नहीं अब। तो मैं खैर पिछले साल गया था 2 बार इस जंगल में। अच्छा जी, हम जो है कुकिंग यहीं पे कर लेंगे इसी जगह पे ही, थोड़ी सी जगह ठीक करके लकड़ी वगैरह जिस तरह ये होल पड़ा है इसके अंदर ही लकड़ी डाल के, इसके ऊपर प्लान है मेरे पास, वो करते हैं पहले सफाई वगैरह इसकी कर दें जी। तो इनको पहले साफ़ करना है, बीच में मैं वीडियो बंद कर दूंगा क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। दोपहर को कोशिश करेंगे, अभी खैर टाइम रहता है क्योंकि शिकार में पहले तो मैंने सोचा कि और नहीं करते, तो शायद एक दो तीतर घर के लिए बंदा मार ले जो है यहाँ पे, इनको बंदा वॉश वगैरह कर लेता है। ये जगह ठीक है, ये वाली साफ़ हो गए जी तीतर। तो शिकार जो है हमेशा से, मैं काफ़ी अर्से से मैं कर रहा हूँ, मतलब कि बचपन से शिकार में करता हूँ, बहुत लोग शिकार करते हैं, लेकिन शिकार के साथ साथ जो ट्रैकिंग के अंदर मज़ा है उस, मुझे लगता है कि वो शिकार से भी बढ़ के होता है। तो लास्ट ईयर से मैं इतना ट्रैकिंग नहीं करता था, लेकिन अभी जो है ट्रैक्स को रीड करना, उनके जो है पंजों के निशान, सूअर का, खरगोश का, हर चीज़ का जो है ट्रैक होता है। अच्छा, उसकी टाइम फ्रेम कि कितना टाइम पहले ये गया है और ये क्यों गया है इस एरिया के अंदर, दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ें इंसान समझ जाए तो फिर मतलब कि बेहतरीन एक शिकारी बंदा बन सकता है, सिर्फ मारना मतलब नहीं होता। अच्छा, अभी जो है एरिया में बस ये स्वाइप कर रहा हूँ ट्रैक्स वगैरह के, सूअर क्या कर रहा है इस एरिया में, यहाँ पे है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, या कोई वो उसने और रूट इख्तियार किया हुआ है। तो एरिया ये देखें, अंदर जो जंगल के अंदर के रास्ते होते हैं यहाँ पे आपको सही फ्रेश ट्रैक्स मिलते हैं बेहतरीन किस्म के। और ये देखें जी काले तीतर और सूअर का, ये समझ लें कि सही बेड बने हुए हैं उनके सूअर के लिए। एक तो उसको ज़मीन गीली है, ये पसंद करता है ज़मीन नीचे, अगर थोड़ी सी मिट्टी गीली हो तो वो बहुत सूअर पसंद करता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ होती है जब आप खामोशी में बैठे हों, बहुत खामोश किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों, शिकार का, सूअर का, अगर वो जंगल से आ रहा होता है तो बहुत सारे परिंदे आवाज़ करने लग जाते हैं, अलर्ट करते हैं कि कोई चीज़ आ गई, इवन गीदड़ आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो तो वो अलर्ट करते हैं, तो उससे भी इंसान को आइडिया हो जाता है कि कुछ आ रहा है। लेकिन आप खुद जब इतना शोर करेंगे, अब तो कोई हम खामोशी है नहीं बोल रहे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ये बातें इसमें ज़्यादा मैंने कर दी हैं, तो बहरहाल आई होप आपको इन्जॉय किया होगा, सीखने को तो कुछ मिलता ही है ना बातों से। बारबेक्यू के लिए हमारे पास जो है सीख है वो है नहीं, तो हम कोई ढूंढेंगे लकड़ी, लेकिन ग्रीन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, ग्रीन ये होगी कि वो आग के ऊपर ना कुछ टाइम रुक जाएगी, जलेगी नहीं जल्दी, और थोड़ी सी मोटी हो तो टाइम ज़्यादा ही वो जो है वहाँ पे हीट पे खड़ी हो सकती है, वरना काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा, देख रहे हैं अब ये है, लेकिन ये बहुत पतली है ना, आपको चेक कराते हैं अभी। अच्छा, ये लकड़ी ढूंढ ली है, ये देखें जी ये वाली, साइज़ ठीक है इसका बिल्कुल, ये जो है यहाँ से काटनी है। ये ठीक है जी। अच्छा, एक और दोस्तों से रिक्वेस्ट है जी, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अपना अपनी आईडी है, उसको जो है फॉलोअर चाहिए, टोटल मेरे 60 फॉलोअर हैं इधर, तो ये है कि उधर मुझे लाजमी फॉलो करें आप। एक और भी न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये है कि नेक्स्ट जो जून या जुलाई के अंदर मैंने जाना है तुर्की। अच्छा, उधर एक अब मैं और चैनल बना रहा हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो वो हम ये करेंगे कि मैं बताता हूँ उस बारे में। तो तुर्की मैंने जाना है, तो ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ है, अब एक चैनल बनाएंगे जिसमें डिफरेंट कंट्री विज़िट मैं करूँगा, साल में एक आधी बार तो लाजमी, तो उसकी वीडियोज़ भी बंदा बनाएगा ब्लॉगिंग टाइप, तो 10-15 वीडियोज़ बंदा बना लेता है
एक गो में बंदा जाए तो फिर बंदा थोड़ी थोड़ी करके ना अपलोड करता रहेगा। तो अभी चैनल मैंने बनाया नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आएगा, उसको भी सब्सक्राइब आपने करना है और बेहतरीन कंटेंट होगा, बहुत ज़बरदस्त मैं कोशिश करूँगा ना कि बनाएं। तो आप भी मशवरा दें, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। बाकी इंस्टा की मेरी आईडी नीचे मैंने कमेंट में दे दी है, वो आप फॉलो, उसको लाइक करें, फॉलो करें, ठीक है जी। टोटल 60 मेरे फॉलोअर्स हैं तो उधर है नहीं, वो लाजमी करें आप। इसको हमने इस तरह एक साइड से नोक कर लिया, दूसरी साइड पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इधर से ही जो है ना इसके ऊपर तीतर हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है जी। मैं आपको अभी लगा के दिखा देता हूँ। ये जी फाइनली इनके ऊपर हमने लगा दिया, ये देखें जी ठीक हो गया, और आग भी जला दी है। अभी इसके ऊपर नहीं रखने हमने जब तक ये जो है ना अंगारे वगैरह नहीं बन जाते, अंगारे बन जाए फिर सिर्फ हीट पे इसको कोक करना है, आग के ऊपर कोक नहीं करना जी। तो फाइनली जो है आग जल गई है जी, अब वेट हमने करना है। बड़ी लकड़ियाँ जो हैं ये जब तक इनको सही आग नहीं लगती तब तक जो है ना अंगारे नहीं बनेंगे, लेकिन जल्दी हो जाएगा। आग जो है ठीक से जल नहीं रही कब से, लेकिन इंशाल्लाह पक जाएंगे थोड़े थोड़े। सही ऑयल है बस, और कुछ भी नहीं है, नमक है वो लगाएंगे। जी तो आग नहीं चल रही थी, कुकिंग नहीं हो रही थी। अच्छा इनको अब मैंने ना ऑयल बहुत ज़्यादा लगाया है, जिसकी वजह से आग के अंदर भी हम पकाएं तो ये जो है ना ख़राब नहीं होगा। ऊपर से ऑयल मैंने काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर लगाया है, और ऑयल और लगाते रहेंगे ऊपर, ऑयल से ये है ना कि वो जलता नहीं है। तो यहाँ पे ही रख देते हैं थोड़ा बहुत जो है मिट्टी वगैरह, पत्थर पे कोई इतनी रेत वैसे भी नहीं होती। साफ हो गया जी, साफ है। ये जी बिल्कुल गल गया है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा जो रेडिश है ये आग की वजह से इसका है, बाकी ये गल चुका है, कोई ब्लड कुछ नहीं है, सिर्फ नमक ऑयल जो है इसके ऊपर हमने यूज़ किया है और कुछ भी नहीं। अच्छा बहुत कम टाइम के अंदर जो है बिल्कुल, ये देखें, ये देखें वाइट मीट है, नमक के साथ बड़ा ज़बरदस्त है, ये देखें। ये देखें। ये देखें। पानी बहुत ठंडा है जी, सही ठंडा पानी है। हाँ जी तो हाथ वगैरह धो लिए जी, बहुत ज़बरदस्त जो है जी पेट भर के खाया है। तीन तीतर वैसे काफ़ी होते हैं एक बंदे के लिए, तो बगैर अगर आप रोटी के अलावा खाली भी खाएं तो मेरे ख्याल से काफ़ी होते हैं। तो एक वाइट मीट है, वाइट मीट का नुकसान नहीं है, शाम भी होने वाली है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कॉमेंट लाजमी क्या करें कि बहुत अच्छी लगी है, इतना तो बंदा कर ही सकता है। क्योंकि ये मुझे लगता है जो वीडियोस हम बनाते हैं, और लोगों के बहुत यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा कंटेंट सबसे मुश्किल है, और लोगों का भी मुश्किल है, हर बंदा मेहनत करता है, लेकिन हमारा कंटेंट इस तरह का है कि कई बार शिकार नहीं भी लगता।
पूरा दिन ज़ाया हो जाता है, ना नींद है ना मतलब खाना पीना, सारी चीज़ें बंदे को देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए जो है ना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आप दोस्तों की। लाइक कमेंट जब करते हैं तो पता चलता है कि भाई जो है ना लोग पसंद कर रहे हैं, हमें और भी बनानी चाहिए वीडियोस। तो ये बात है जी, शेयर भी करें। दूसरा जो है गन ख़रीदना चाहते हैं जो दोस्त, इसके अलावा कम कीमत में भी गन्स अवेलेबल हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके जो है ख़रीद सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ।